हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और हम बात कर रहे हैं आज नेक्सा बलिनो डेल्टा मॉडल की। फ्रंट लुक देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। फ्रंट लुक पे सबसे पहले सुजुकी का यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, क्रोम ग्रिल दिखाई देगी, और यहाँ पर ही आपको लाइट प्रोफाइल की बात करें तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प और इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो फॉग लैम्प आपको अलग से लगवाने पड़ेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट लुक कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो काफ़ी प्रीमियम लुक आता है फ्रंट में भी, और लाइट प्रोफाइल भी काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर दिखाई देती है, तो काफ़ी अच्छा फ्रंट लुक देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको एलॉय व्हील नहीं मिलते, सिर्फ व्हील कवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और 15 इंच के व्हील इसमें मिलते हैं। ऊपर के साइड में दो वाइपर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रियर व्यू मिरर पर इंडिकेटर देखने को आपको मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से कीलेस एंट्री के साथ में ओपन करते हैं डोर को, तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोफाइल आती है, और डोर डुअल टोन में आपको पूरा दिखाई देगा, और पूरा केबिन कुछ इस प्रकार से डुअल टोन में दिखाई देता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। लॉक अनलॉक करने का सिस्टम यहाँ से मिल जाएगा, और रियर व्यू मिरर को सेट करने का इलेक्ट्रिक फोल्ड वाले मिरर हैं, और यहाँ से पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ स्पेस, बोतल होल्डर, स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे नीचे की साइड में तीन पैंडल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हेडलाइट अप डाउन एसी वेंट मिल जाता है ये। तो सीट प्रोफाइल की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल वाली सीट नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं, हेडरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम फ्रंट में चलते हैं और इसके बोनेट को ओपन करते हैं, और इंजन की प्रोफाइल देखते हैं कैसी है बोनेट ओपन करने के बाद। तो इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर 1.2 लीटर के सीरीज इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो 1197 cc के अंदर आता है, और मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 88.50 bhp पावर जनरेट करता है 6000 rpm पर, और टॉर्क 113 Nm पावर जनरेट करता है 4400 rpm पर। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये मॉडल आप देख रहे हैं, और काफ़ी धूप में खड़ी है तो ये गर्म भी है। इसको ओपन कर लेते हैं और अंदर की प्रोफाइल देखते हैं, अंदर हमें क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्टेयरिंग कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, अंदर बैठ के देखते हैं तो यहाँ पर की लगा सकते हैं, और यहीं पर एडजस्टेबल वाला स्टेयरिंग मिल जाएगा, इसको अप डाउन आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। यहाँ से लाइटें और इंडिकेटर जला सकते हैं। यहाँ ग्लव कंपार्टमेंट देखा जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, टच मीटर, और डिजिटल क्लॉक और डिजिटल ऑटोमीटर जैसे फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लो फ्यूल बोरिंग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है इस कार के अंदर, और यहाँ से आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से ये देखें तो वाइपर चला सकते हैं आप, और स्टीयरिंग पर ही म्यूज़िक का सिस्टम चलाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं टच स्क्रीन की, तो 7 inch की टच स्क्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड टूड इन ऑडियो। यहाँ से प्रेस करते हैं तो चारों इंडिकेटर जल जाते हैं, यहाँ पर 2 AC वेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से AC और हीटर का सिस्टम मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, 12 volt का चार्जर, USB कनेक्ट, कप होल्डर, और ये गियर लीवर आप देख रहे हैं यहाँ पर, हैंड ब्रेक, और ये सीट बेल्ट को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर डे नाइट वाला मिरर मिल जाएगा, और ये दो लाइटें जलती हैं। यहाँ पर सन वाइजर और इस पर वैनिटी मिरर मिल जाता है, ये हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं मिलता। तो ये प्रोफाइल इसकी अंदर से केबिन वैसे मैंने आपको दिखाई है, तो कैसी लगी आपको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम दूसरे वाले डोर पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिल जाता है, और टायर प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ से ओपन करते हैं, कीलेस एंट्री है, लेकिन ये जो है ओपन करनी पड़ेगी, लॉक है, तो हो सकता है मुझसे ही गलती से हो गई हो। तो ये सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। आपको ये कार कैसी लगती है आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पास ये कार है तो वो कैसी चलती है, क्या उसका फीडबैक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब डोर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ डुअल टोन में तो डोर दिखाई देता है। यहाँ से लॉक अनलॉक, और ये जो है पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पर स्पेस, बोतल होल्डर, स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, और कुछ प्रोफाइल ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पर एसी वेंट, एयरबैग मिल जाएगा, एसी वेंट ये है, और यहाँ पर डैशबोर्ड डुअल टोन में दिखाई देगा, और ये ग्लव बॉक्स आप देख रहे हैं तो ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा मिल जाता है, और पूरी प्रोफाइल कुछ डैशबोर्ड की ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पर एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट, सीट बेल्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको आगे पीछे आप सीट को कर सकते हैं, एडजस्टेबल सीट है। बैक डोर को देखेंगे तो बैक डोर पर भी वही सेम चीज़ मिलती है जो आगे मिलती है, तो ये सब चीज़ वही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और हम अंदर की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ हमें क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोफाइल ऐसी दिखाई देती है, कुछ हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे की साइड में भी, तो काफ़ी अच्छा है, और सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है पीछे की साइड में भी। यहाँ से
इसको सीटों को फोल्ड भी कर सकते हैं आप, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि पिछली वाली सीटें फोल्ड कर सकते हैं। ऊपर के साइड में पावर एंटीना ऊपर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा और माइलेज ये कार देती है 22.35 किलोमीटर का एरिया माइलेज है। और पीछे वाले टायर के अंदर आपको व्हील के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, ड्रम ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पर आप LED टेल लाइट देख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। बलिनो लिखा हुआ है पीछे की साइड में, यहाँ पर रिफ्लेक्टर और पार्किंग सेंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन इस कार में पीछे की साइड में मिल जाते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर वाइपर का ऑप्शन नहीं है और डीफोगर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, रूफ कुछ इस प्रकार से, पावर एंटीना ऊपर की साइड में देखने को मिल जाएगा, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लाइट प्रोफाइल कुछ ऐसी है, नेक्सा ऊपर लिखा हुआ है और पीछे का काफ़ी अच्छा है, जैसे रिफ्लेक्टर दोनों साइड में दिया गया, तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन इस कार में पीछे की साइड में मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल कुछ ऐसी है, गेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे कि हमें और क्या क्या मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके लेंथ के बारे में बताता हूँ। तो 3990 mm की लेंथ है, विड्थ 1745 mm की, हाइट 1500 mm की और इसके अंदर 5 लोगों के बैठने की सीट है और इसमें 5 ही डोर आपको देखने को मिलेंगे और इसमें व्हील बेस 2520 mm के देखने को मिलेंगे और कर वेट 920 kg यानी 9 क्विंटल 20 किलो वजन है। यहाँ पर लेग रूम काफ़ी है और कुछ फ्रंट लुक ऐसा दिखाई देता है केबिन का। और हम थोड़ा सा सेफ्टी फीचर की बात करें तो ABS सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉक, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक, एंटी थीप अलार्म, 2 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग और एडजस्टेबल सीट्स इस कार के अंदर मिलेंगी, क्रश सेंसर और इंजन चेक वार्निंग, स्पीड अलर्ट के ऑप्शन सेफ्टी के नाम पर इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग प्रोफाइल पीछे से देखते हैं तो कुछ ऐसी दिखाई देती है, पूरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं केबिन की कितनी लग्जरी लुक में दिखाई देती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको कैसी लगी। पीछे का लुक कुछ ऐसा है, डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा बैक में और ये काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड में देखेंगे तो AC वेंट यहाँ पर नहीं है, एक 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। अगर पीछे की साइड में AC वेंट होता तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती पीछे बैठने वाले पैसेंजर को। और हम थोड़ा सा बात कर लेंगे इस कार के अब बूट स्पेस के बारे में कि इसमें बूट स्पेस कितने लीटर का मिलता है, तो यहाँ पर करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये जो है पावर है अपने आप ऊपर चला जाता है, 2 जैक लगे हुए हैं, डैशबोर्ड आप पीछे का इसका देख रहे हैं। इसमें 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और स्टेपनी का टायर यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप ये देख सकते हैं, और कुछ टूल्स भी मिलेंगे। अब सबसे मेन चीज़ हम बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस की, क्या इसके प्राइस क्या रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बूट स्पेस यहाँ पर आपको 318 लीटर का मिल जाता है। तो प्राइस की बात की जाए तो प्राइस डेल्टा मॉडल के 7,45,000 रुपये एक्स शोरूम इस कार के प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की तो ऑन रोड प्राइस 8,48,000 रुपये के समथिंग आपको देखने को मिलेंगे। आपको मैंने सारे फीचर्स बता दिए, प्राइस बता दिए, आप कमेंट कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।